नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंधाड़ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम कुछ दमदार सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सो इस बार मैं पूरा सॉल्विंग नहीं करूँगा, आई विल जस्ट गिव यू द हिंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, वट इज द बैड थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन। बुरी चीज क्या है इसमें? डिनोमिनेटर, उसका डेरिवेटिव आएगा 2x plus 2। ऊपर 2x है क्या? नहीं है सर, ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आगे देखो क्या हो रहा है, यह जाएगा 2x plus 2 चाहिए था, विच वॉज अवर रिक्वायरमेंट। I इज इक्वल्स टू 1/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर है सो आ जाएगा 2√ प्लस 2/√ की सॉल्विंग हम अगले पेज पे करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल लिया जा चुका है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो गाइज एक चीज और नोटिस करो, अगर ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा? देखो, ये 1/2 इससे अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये 2/2 कट जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ तो फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? रूट। और इधर ये 2 गया तो 2/2 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली और फाइनली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2/2 इधर भी कटेगा, तो इधर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ dx। ठीक है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने दे रखा है रूट की सॉल्विंग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, इसको हमने कई बार सॉल्व किया है। मेक एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, 4 ऐड किया और 4 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, यह जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो गाइस, ये फाइनली क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन। ठीक है, इट वॉज रियली नाइस क्वेश्चन, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। इस क्वेश्चन में भी सेम हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, सो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। 2x माइनस 2 ऊपर है क्या बताइए? हो जाएगा 2x माइनस 2, dx इज इक्वल टू dt। 2x माइनस 2 लाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 2 दे देंगे इधर और इधर प्लस 2 दे देंगे। और 1/2 बाहर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये जाएगा 8। इसको 1/4 से आई थिंक आप निपटा सकते हो ना, ये 2 इधर चिपका दो, झंझट ही नहीं है, आगे जाके तुम कर लो खुद का। प्लीज गाइज, आई थिंक यू कैन सॉल्व द 1/4 मेथड, आप कर सकते हो। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, 2x को लाना है, एडजस्ट करना है बिकॉज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव लोगे तो 2x प्लस 4 आ जाएगा। 2x प्लस 4 कैसे ला सकते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। पहले phi कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा x प्लस 3/5 dx और नीचे आ जाएगा रूट। और आगे देखो, अपने को 2x चाहिए, ऊपर नीचे 2 चिपका डालो, 2x प्लस 6/5। इसमें प्लस 4 चाहिए था अपने को,
अगर माइनस फोर दे दिया, सो आई इक्वल्स टू 5/2, इधर आ जाएगा 2x+4, कितना आ जाएगा यार, 4×5 = 20, -14/5, और नीचे है रूट। ठीक है, आई थिंक आगे आप कर लोगे, और सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं हिंट दे सकता हूं आपको, मेक x² कोएफिशिएंट 1, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। सो इधर कर दिया अपन ने 1 एड और 1 सब्ट्रैक्ट, सो इधर आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने। ओके, सो गाइज, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ एग्जैक्टली। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। प्लीज लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। x² + 2x+1। चलिए, टाइम इज अप। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/1 + x², सो बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। इट्स रियली अमेजिंग क्वेश्चन। चलिए, मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो पूरी प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। मेक x² कोएफिशिएंट 1, है ना, सो 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जस्ट एक 4 कॉमन, बाहर ही फेंक दें क्या निकाल के, जा बाहर जा बेटा, चल बाहर। सो इधर आ जाएगा 9/4x - x² एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। सो 9/8 का स्क्वायर, तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, मेरा यह जाएगा 9/8 का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है x - 9/8 का स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं आप किसको आता है। 3, 2, 1, जल्दी जल्दी जल्दी, 15 सेकेंड दे रहा हूं आपको मैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स, दिस इज x - 9/8 / 8। सो फाइनल आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a। सो इफ यू टेक द एलसीएम क्या आ जाएगा, 8x - 9 इसमें ही अकेला, और अपॉन का 8 उड़ जाएगा तो अपॉन 9। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। और 1/2 वैसे दो ही में, तो बी और डी में से ही चेक करना था। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, इट वॉज रियली नाइस क्वेश्चन, लिख लीजिए एक बारी। स्टेप्स आपको पता ही होगी ना, स्टेप्स क्या क्या है। मैं x² कोएफिशिएंट 1, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल का स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर बना लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, खत्म। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। बच्चों, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं क्लास 11th एंड 12th CBSE की, IIT JEE की, और भी बहुत सारी एग्जाम की। बच्चों, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट है,
जो कि सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज एंड डेली एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। बच्चों अनअकैडमी प्लस में हमने कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट किया है, आप घर बैठे बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन। गाइस जिसमें ही हमने एक एडिशनल फीचर ऐड किया है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, साथ ही साथ लाइव डाउट सॉल्विंग भी मिलती है। बच्चों आइकॉनिक में प्लस के सारे फीचर्स हैं, प्लस के सारे फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं, बट एडिशनली यू विल गेट स्टडी प्लानर, लाइव डाउट सॉल्विंग एंड पर्सनल मेंटर। बच्चों मेरे बैचेस चल रहे हैं 11th और 12th के रिविजन के इवनिंग टाइम में, तो आप इन्हें अटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन। दीज बैचेस आर फॉर CBSE। गाइस डू यूज द कूपन कोड MANDHN, आपको 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। और आइकॉनिक भी आप देख पा रहे हो, सेम सब्सक्रिप्शन है। प्लस के लिए आपको जो फी है 24 मंथ्स का, इट इज अराउंड 22,000, एंड आइकॉनिक के लिए सेम पड़ता है विच इज 43,000। सो गाइज अगर आप 10th मूविंग 11th है, सो 11th 12th का आप कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट होम, घर बैठे आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं।